और किचन बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रेट प्लाजो है जो मैंने बनाया है और इसी की कटिंग मैं आपको दिखाने वाली इस वीडियो में। देखिए इसे, देखिए मैंने आगे बेल्ट, ये आगे इसमें बेल्ट है और पीछे इसमें इलास्टिक है। देखिए मैंने इसमें दो प्लेट डाल दिया आगे। इसकी जो ड्राफ्ट कटिंग है वो फुल इलास्टिक वाली की है मैंने, सेम वही कटिंग है इसकी, सिर्फ हमने आगे इसे बेल्ट वाला कर दिया है ये दो प्लेट डालकर। बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं आपको बताऊंगी इसकी कटिंग और स्टिचिंग, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। और इसकी देखा होगा मेरी वीडियोज़ में, मेरी जो पैंट है और प्लाजो की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो कई बार लोगों के कमेंट आते हैं मैम फ़र्क क्या है स्ट्रेट प्लाजो में और पैंट में, तो स्ट्रेट प्लाजो और पैंट की ड्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है, उनकी दोनों की कटिंग बिल्कुल अलग अलग होती है। तो होता है उसकी ड्राफ्टिंग भी सेम जो मैं बताऊँगी आपको आज की वीडियो वही होगी, कोई अंतर नहीं होगा उसमें, सिर्फ आप नीचे बॉटम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो पैंट की ड्राफ्टिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और कुछ लोगों के क्वेश्चन है फ्रेंड जो मेरे पास बहुत आते हैं, कुछ लोगों के पास कमेंट आते हैं कि मैम अगर हमारा हिप साइज़ ज़्यादा है, 44 है या उससे, या 50 है उससे एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए हम क्या करें, क्या उसमें हमें अलग से कोई प्लस करना पड़ेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊँगी आज वीडियो में वही तरीके से। आपका चाहे आपको कोई भी नाप है इस तरीके से ही बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कम्फर्टेबल बनेगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है, टाइट हो जाएगा, तो इसलिए आप उसमें, तो उसके लिए आप उसमें मियानी लगा सकते हैं। अगर आपको मियानी लगाना सीखना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी मियानी किस तरह से लगाते हैं, कट करते हैं। बाकी आप बिना मियानी के भी बनाएंगे तो बिल्कुल कम्फर्टेबल बनेगा। और जैसा मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी, अगर आप स्टेप बाई स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी, आपके प्लाजो या पैंट में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और 100% ये कम्फर्टेबल होगा। ना ही इसमें आसन बड़ा होता है, ना छोटा होता है, और ना ही पहनने में आपको बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल होता है। हर तरह से ये प्लाजो परफेक्ट बनता है, ना पहनने पे नीचे खिंचाव आता है। बहुत से में दिक्कत होती है कि जब पहनते हैं तो नीचे बॉटम की तरफ से हमारा खिंचाव आता है, पैंट ऊपर तरफ खिंचती है, मगर आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होगा आपके प्लाजो में, बहुत ही कम्फर्टेबल बनेगा। अगर आप उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम बैक पार्ट को 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा उठा के लेते हैं, तो इससे ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इस प्लाजो को और बनाकर देखिए, आप मुझे कमेंट में बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, ये कॉटन का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है आपको। देखिए सबसे पहले कपड़े को हम खोलेंगे, ये देखिए कपड़े को मैंने खोल लिया है और कपड़े को देखिए इस तरह से फोल्ड करना है हमें। तो कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया, ये ओपन वाली साइड है और देखिए यहाँ से बंद वाली साइड है, इस तरह से पूरे कपड़े को फोल्ड करना है। अब देखिए सबसे पहले ऊपर से हम एक लाइन खींच कर कपड़े को बराबर कर लेंगे, जो ऊंचा नीचा होता है, तो इस तरह से हम एक लाइन खींच लेंगे। मेजरमेंट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब इसके बाद हम निशान लगाएंगे, तो इसमें हम आगे बेल्ट लगाएंगे, तो जो हमारी फुल लेंथ है उसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे। तो इंच टेप को ऊपर निकाल कर 1 इंच अपनी लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो लेंथ मुझे रखनी है 36 इंच, तो देखिए इस तरह से मैं 36 इंच पर निशान लगा लूँगी। 1 इंच मैंने ऊपर निकाल दिया इंच टेप को, और एक निशान और लगाएंगे हम नीचे फोल्डिंग के लिए लेंगे, तो मैं 2.5 इंच पर लगाऊँगी। आप अगर ज़्यादा फोल्ड करना चाहते हैं 3 इंच ले सकते हैं। अब इन निशानों को हम कर लेंगे सीधा, तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने लेंथ का निशान लगा लिया है। और अब इसके बाद देखिए जो हमारे कपड़े का अर्ज है उसे हम नापेंगे पहले। तो कपड़े को मैंने देखिए डबल कर रखा है, और अब देखिए हमने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है। अब फोल्ड करने के बाद हमारा कितना आता है उसे हम नाप लेंगे पूरा। तो मेरा फोल्ड करने के बाद मेरा आता है ये 20 इंच। जरूरी नहीं है आपका 20 इंच आए, आपका 22 इंच या फिर 24 इंच, 25 इंच कितना भी आ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना आपका आता है उसका आपको आधा करना है। मेरा 20 आ रहा है तो मैं इसका आधा लूँगी 10 इंच, तो मैं 10 इंच पर निशान लगा लूँगी। कहने का मतलब है कि हमें कपड़े का सेंटर करना है, सेंटर करके ही हमारी ड्राफ्टिंग होगी। तो इसे 10 भी मैंने निशान लगा लिया है। अब
देखिए पूरे को कपड़े का सेंटर कर दिया मैंने। कई बार लोगों का कमेंट आता है कि मैम हमारे कपड़े का अर्ज अगर ज़्यादा है तो हम क्या करें, तो अगर कपड़े का अर्ज आपको ज़्यादा है तो आपको उतना ही फोल्ड करना है जितना हमको चाहिए। जो नॉर्मल जो अर्ज होता है कपड़े का वो 44 इंच होता है, तो आप उसके हिसाब से ही कपड़े को फोल्ड करें। तो देखिए हमने कपड़े का सेंटर कर लिया है। अब इसके बाद देखिए ऊपर सिलेंगे वेस्ट का, तो वेस्ट के लिए हम हिप का नाप लेंगे यहाँ पे, और आसन के लिए भी हमारे हिप का नाप चलेगा। तो यहाँ में वेस्ट की हमें नाप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल। तो मेरे साइज़ में हिप साइज़ है 40 इंच, उसको डिवाइड करना है 4 से, तो 10 इंच आएगा। उसमें हम करेंगे 2.5 इंच प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 इंच। अब 12.5 का हमें आधा आधा लाइन के दोनों तरफ निशान लगाना है। तो 12.5 का आधा होगा 6.25 इंच, तो लाइन के दोनों तरफ हम 6.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ मैं आपको। आपको जो भी साइज़ है हिप का आपको सेम ऐसे ही करना है, आपको उसे 4 से डिवाइड करके और उसमें 2.5 इंच प्लस करना है, 2.5 से ज़्यादा नहीं करना है। चाहे आपका हिप साइज़ कुछ भी हो मगर आपको 2.5 से ज़्यादा प्लस नहीं करना है, 2.5 इंच ही प्लस करना है आपको। और अब देखिए लाइन के दोनों तरफ हमने 6.25 इंच पर निशान लगा दिए है। उसके बाद निशान लगाएंगे आसन का, तो जितना हमारा ऊपर निकला था आसन भी हमें उतना ही लगाना है। तो हमारा ऊपर 12.5 इंच आया, तो आसन भी हम 12.5 ही रखेंगे। फ्रेंड्स कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि आसन हम किस तरह से निकालें, या फिर कन्फ्यूज़न होती है आपको, फ्रेंड्स अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न होती है कि आप स्ट्रेट प्लाजो में या फिर सर्कुलर प्लाजो में या कलील प्लाजो में आसन कितना ले, तो सबसे अच्छा तरीका है अपने जो आपका हिप साइज़ है उसको डिवाइड करिए 4 से और उसमें 2.5 इंच प्लस कर दीजिए। आपका आसन बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखिए 12.5 पर निशान लगा लिया मैंने, 1 इंच मैंने ऊपर इंच टेप को निकाल दिया क्योंकि 1 इंच की हमारी बेल्ट आएगी, और 1 इंच ऊपर निकालने के बाद मैंने 12.5 पर निशान लगाया है। अब देखिए जो निशान लगाया है उसका हम बना लेंगे बॉक्स इस तरह से। जो भी हमारी मार्किंग होगी सब लाइन के दोनों तरफ होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर, ये हमारी आसन की गोलाई के लिए होगा। अगर आपका हिप साइज़ ज़्यादा है 44 या उससे एक्स्ट्रा है तो आप ये 2.5 की जगह 3 इंच ले, अगर आपका साइज़ 32 से कम है तो आप ये 2 इंच ले। और अब इसके बाद देखिए हम गोलाई के लिए निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। तो देखिए इस तरह से निशान लगाना है 1.5 इंच पर। और अब हमें गोलाई देनी है इसकी आसन की। तो देखिए इस ये 1.5 इंच पर गोलाई देनी है, ज़्यादा अंदर से गोलाई नहीं देंगे वरना आसन में खिंचाव आएगा। इस तरह से आपको हल्की सी गोलाई देनी है। अब इसके बाद इसमें लगाएंगे हमने बॉटम का, तो मुझे बॉटम चाहिए 8 इंच तैयार। अब जितना भी हमें तैयार बॉटम चाहिए उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। अगर मुझे 8 इंच चाहिए तो मैं इसमें 10 इंच लूँगी 2 इंच प्लस करके, क्योंकि इसमें हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं होगा सिलाई के लिए, यही हमारा मार्जिन होगा। तो आपको जितना बॉटम रखना है, 10 इंच रखना है तो आप 12 इंच लीजिए, जितना भी रखना है आपको 2 इंच उसमें प्लस करके लेना है। तो मैं 10 इंच लूँगी। आप 10 का आधा आधा रखेंगे लाइन के दोनों तरफ, तो 5 इंच में निशान लगा लूँगी यहाँ पर और 5 इंच में मैं दूसरी तरफ निशान लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने बॉटम का निशान लगा लिया है, लाइन के दोनों तरफ ने 5-5 इंच पर निशान लगा लिया है। अगर आपको बॉटम ज़्यादा रखना है तो लाइन के दोनों तरफ आपको जितना मर्जी आप चाहे एक्स्ट्रा रख सकते हैं। देखिए और इसके बाद हम शेप देंगे, तो शेप पट्टी लेंगे और इस तरह से रखकर हम शेप देंगे। ये देखिए और शेप पट्टी को घुमाएंगे और दूसरी तरफ से हम शेप देंगे। इस तरह शेप देने से फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए और देखिए दोनों तरफ शेप दे दी है हमने। एक शेप हम ऊपर से देंगे, जो शेप पट्टी की गोलाई वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ, वहाँ से हम हल्की सी शेप देंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हल्की सी शेप देनी है हमें। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब हम निशान लगाएंगे पॉकेट के लिए। तो सबसे पहले एक निशान लगाएंगे हम ऊपर से 1 इंच पर,
और उसके बाद चलाएंगे 6 इंच पर, ये हमारे पॉकेट का निशान होगा। अब यहाँ हम लगा देंगे कट, ये देखिए हमने 2 कट लगा दिए। अब एक कट हम और लगाएंगे जो हमारे सेंटर वाली लाइन है उस पर, क्योंकि इसमें हमें डालनी है प्लेट, तो हमें पता रहेगा कि प्लेट कहाँ डालनी है हमें। तो देखिए फ्रेंड, फ्रंट पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब हम कट करेंगे बैक पार्ट। तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसे हमने देखिए इस तरह से ये डबल करके बिछाया हुआ है। अब ऊपर से हमने एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, देखिए स्केल से कर लेंगे सीधा। ये आपको 1.5 इंच ही लेना है। अगर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा है, 44 या 46, 40 या 50 तक है, तो आप ये 1.5 की जगह 2 इंच ले सकते हैं। 2 इंच ज़्यादा नहीं लेना है आपको। देखिए इसका भी हमें सेंटर का निशान लगा लेंगे 10 इंच पर, जैसे हमने फ्रंट में किया था। और इसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हम इसके ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। तो जो सेंटर वाली लाइन हमने खींची हुई है हमारे, देखिए इस तरह से बिल्कुल जो हमने कपड़े का सेंटर किया है वो बिल्कुल मिलना चाहिए हमारा। इस तरह से पूरा आप अच्छे से इसको सेट कर लें, ये देखिए। सिर्फ हमारा ऊपर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा बैक पार्ट, बाकी हमारा कोई चेंज नहीं होगा इसमें। सेम कटिंग होगी, सिर्फ 1.5 इंच हमारा ऊपर एक्स्ट्रा रहेगा। कई बार प्रॉब्लम होती है जब हम बैठते हैं तो पीछे की तरफ से हमारा नीचे की तरफ खिंचता है बैक पार्ट, तो इस तरह अगर हम 1.5 इंच हमने ऊपर उठा कर लिया है तो इससे हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, और पहनने पर या बैठने पर बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। देखिए हमने अच्छे से सेट कर लिया है फ्रंट पार्ट को। अब इसे हम देखिए जो हमने ऊपर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये देखिए बैक पार्ट में। अब देखिए आसन वाली साइड है, यहाँ से देखिए स्केल को हम इस तरह से तिरछा रखेंगे, ये देखिए, और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो साइड से बिल्कुल हमारी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ में बिल्कुल हमारा बराबर रहेगा। जो भी एक्स्ट्रा होगा हमारा 1.5 इंच, वो आसन की साइड से होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, सिर्फ आसन की साइड से हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा है ये, दूसरी तरफ से बिल्कुल हमारी लेंथ बिल्कुल बराबर रहेगी। अब बाकी इसमें कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमारा यही चेंज है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बैक और फ्रंट दोनों कट कर लिया है। अब इसकी हम पॉकेट कट करेंगे। तो पॉकेट के लिए कपड़े को मैंने डबल कर लिया है। अब इसकी लेंथ लेंगे, तो लेंथ हम इसकी लेंगे 13 इंच। नीचे से लेंगे हम इस तरह से 6.5 इंच, ऊपर से लेंगे 6 इंच, और इस तरह से देखिए इसे मिला देंगे। अब देखिए यहाँ से निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, और हल्की सी शेप देंगे, देखिए इस तरह से। अब इसे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पॉकेट भी कट कर ली है, इसको सिलना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सिलेंगे इसके आसन। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है प्लाजो का, दोनों सीधे हिस्से अंदर की तरफ है। अब इसके हम आसन जॉइंट कर लेंगे, बैक और फ्रंट दोनों के ही आसन हमें जॉइंट करने हैं। तो यहाँ हम स्लाइड डबल लगाएंगे आसन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जॉइंट कर लिया आसन अपने, ये फ्रंट पार्ट है, देखिए ये बैक पार्ट है, इसके भी सेम इसी तरह से आसन जॉइंट कर लेंगे हम। तो दोनों आसन हमने जॉइंट कर लिए है, और अब हम लगाएंगे पॉकेट। तो एक पॉकेट लगाऊंगी मैं, देख लिया किस साइड लगानी है आपको। तो देखिए जो हमने कट लगाए हुए थे पॉकेट के लिए, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको उल्टा करेंगे, देखिए ये हमारे कट है। अब देखिए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे इसमें, 1/2 इंच गैप करते हुए हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। उल्टी तरफ निशान लगाने हैं हमें, ये देखिए। अब हम पॉकेट लेंगे, पॉकेट को हमें रखना है सीधा, और बिल्कुल ऊपर से मिलाते हुए लेंगे पॉकेट को, और उल्टा करेंगे। अब जो हमें निशान लगाया उसी निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिए, तभी आपको अच्छे समझ आएगी पॉकेट लगाना।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा ली है, हम इसमें लगाएंगे कट। तो दोनों कोनों पे कट लगाना है सिर्फ हमें। देखिए इस तरह तिरछा कट लगाना है आपको दोनों कोनों पे। और कट लगाने के बाद देखिए इसे हम पॉकेट को पलट देंगे उल्टी तरफ। ये देखिए इस तरह से हम इसे पलट देंगे और अच्छे से देखिए हमारे कोने निकल जाएंगे। अब इस पे हम लगाएंगे सिलाई। तो ये सिलाई हम बिल्कुल किनारे पर ही लगाएंगे, हल्का सा गैप करते हुए लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई भी लगा ली है। और अब देखिए पॉकेट को हम देखिए इस तरह से करेंगे और इस तरह से करके इस तरह से पलट लेंगे। अब पलट कर हम नीचे लगाएंगे सिलाई इसमें। तो पूरा नहीं सिलेंगे इसे, हम करीब हम 2.5 इंच छोड़ देंगे ऊपर। ये देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच छोड़ देंगे। ये देखिए निशान लगा लो 2.5 इंच पे। और बाकी देखिए यहाँ से हम इसे सिल लेंगे। देखिए निशान लगा दिया मैंने, आप देख सकते हैं। अब इसे हम सिल लेते हैं। जो हमने खुला छोड़ा है उसे हम बाद में सिलेंगे, जब हम बैक पार्ट को अटैच करेंगे साइड से। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगा ली है हमने। अब इसे हम करेंगे सीधा। तो सीधा करेंगे तो जो सिलाई है हमारी अंदर आ जाएगी सारी पॉकेट के। ये देखिए, तो ये देख सकते हैं हमारी पॉकेट कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब देखिए बैक साइड से, ये जो हमने थोड़ा छोड़ दिया था खुला 2.5 इंच, इस पे हम लगा लेंगे पिन। ये देखिए इस तरह से। और एक पिन हम ऊपर से भी लगा लेंगे, ये हमारा ऊपर जब बेल्ट टच करेंगे उसमें आएगी पॉकेट। तो देखिए फ्रेंड्स, तो पॉकेट हमारी लग चुकी है। इसमें डालेंगे हम प्लेट। तो देखिए जो हमने कट लगाए हुए थे इसमें हमें प्लेट डालनी है। तो जो मेरे साइज़ में वेस्ट है वो 36 इंच है, 36 का आधा होगा 18 इंच। तो हमें ये प्लेट डालने के बाद 18 इंच करना है। तो पहले हम पूरा नाप लेते हैं हमारा टोटल कितना आ रहा है। इसमें सिर्फ हमारी दो प्लेटें आएंगी, तो पहले हम इसे देखिए नाप लेते हैं। तो ये हमारा आ रहा है 24 इंच, हमें चाहिए 18 इंच। तो ये 6 इंच एक्स्ट्रा है, तो हमें 3-3 इंच ये दबाना होगा प्लेट के अंदर। तो जो हमने कट लगाए हैं वहाँ से हम निशान लगाएंगे 3 इंच पर। देखिए इस तरह से निशान लगा लिया मैं 3 इंच पे। आपके जो भी वेस्ट है उसको आप इसी तरह से आपको निकालना है। ये देखिए दोनों तरफ हमने 3-3 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इस कट वाला जो कट लगाया है वहाँ से हम उठाएंगे कपड़े को और इस तरह से जो निशान लगाया हमने 3 इंच पर वहाँ तक इसे हम देखिए इस तरह से एक प्लेट डाल लेंगे और एक पिन लगा लेंगे इस प्लेट डालकर। ये 3 इंच हमें कपड़ा अंदर कवर करना है प्लेट के। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी प्लेट डाल लेंगे जो निशान लगाया हमने। ये देखिए यहाँ भी हम पिन लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, दो प्लेट हमने डाल ली है। अब इसे हम नाप लेंगे हमारा 18 इंच आता है नहीं। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा 18 इंच आ रहा है बिल्कुल। देखिए अब इसमें हम लगा लेंगे एक बड़ी सिलाई। जो हमारी पॉकेट है उसको भी हम साथ में लेकर सिलाई लगा लेंगे बड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम लगाएंगे बेल्ट। तो ये देखिए मैंने पेस्टिंग ली है, इसको मैंने कपड़े के ऊपर चिपका दिया है। और लेंथ देखिए, लेंथ मैंने इसकी ली है 18 इंच। ये देखिए, और इस तरह से मैंने चौड़ाई में लिया है इसे मैंने 4 इंच। आपको आधा इंच ऊपर छोड़कर उसके बाद पेस्टिंग चिपकानी है आपको।
और जब आप देखिए इसे इस फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपका आधा इंच नीचे बचना चाहिए। इस तरह से कपड़ा आपको लेना है और एक निशान लगा देंगे जहाँ तक हमारी पेस्टिंग आ रही है। देखिए इस तरह से करेंगे तो अब बिल्कुल आपकी बेल्ट एकदम परफेक्ट बैठेगी। ये देखिए, और अब इसे हम अटैच करेंगे तो इसे हम फ्रंट पार्ट में उल्टी तरफ से अटैच करेंगे, और जो निशान हमने लगाया उसी निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगा ली है हमने, और अब हमें देखिए इसी तरफ हम इस तरह से फोल्ड कर जो सिलाई हमें लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर रख कर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ है हमारी ये बेल्ट, देखिए अटैच हो चुकी है। बेल्ट हमारी अटैच हो चुकी है, अब इसकी हम सिलेंगे साइड। तो जो बैक पार्ट है, ये देखिए बैक पार्ट है, दोनों साइड से हम इसे सिलेंगे। देखिए यहाँ से सिलेंगे और फिर इस साइड से सिलेंगे। तो सिलना हम ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे सिलना। ये देखिए हम बॉटम की साइड से इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो पॉकेट का हिस्सा हमने जो 2.5 इंच खुला छोड़ा था, अब उसे हम साइड की सिलाई में साथ लेंगे। तो ये पिन लगाई हुई थी मैंने, निकाल दी है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए अब इसे हम देखिए इस तरह से साथ सिलेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पॉकेट है, पॉकेट का मुंह हमारा बंद नहीं होना चाहिए बिल्कुल, उसे किनारे किनारे सिलाई लगानी है हमें पॉकेट के, बस पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। ये देखिए, और पूरा नहीं सिलेंगे ऊपर तक, इसे थोड़ा खुला छोड़ देंगे क्योंकि हम पीछे बैक पार्ट में इलास्टिक के लिए कपड़ा अटैच करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर खुला छोड़ देंगे, पूरा बंद नहीं करेंगे इसे। तो देखिए थोड़ा ध्यान से सिलाई लगाए, आपकी पॉकेट बंद नहीं होनी चाहिए आपकी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा ली, थोड़ा खुला छोड़ दिया है हमने। ये देखिए इस तरह से मैं दिखाती हूँ खोलकर, ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा पॉकेट, देखिए हमारी इस तरह से आ जाएगी। अब दूसरी साइड से भी इसे हम सिल लेंगे। तो नीचे से ही स्टार्ट करना है हमें सिलना। तो देखिए साइड से भी हमें दोनों तरफ सिल लिया है, अब इसका हम पीछे इलास्टिक के लिए कपड़ा ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए मैंने लिया है 4.5 इंच, और लेंथ में देखिए मैंने इसे लिया है 26 इंच, जितना हमारा पीछे बैक पार्ट की लेंथ है। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको नाप कर, पहले पूरा इसे आप नाप कर जब कपड़ा कट करें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 26 इंच आ रहा है। अब देखिए सीधी साइड से इसे जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे हम, ये सीधी साइड है। अब यहाँ से रखेंगे कपड़े को इस तरह से, और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब एक सिलाई हम देखिए इस तरह से ऊपर से लगा लेंगे, इससे हमें फोल्ड करने में इजी रहता है। ये देखिए सिलाई को ऊपर करेंगे हम पीछे वाली को, और इस तरह से पूरे पर टॉप सीम लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई भी हमने लगा ली है, अब इसे हम करेंगे फोल्ड। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप कैसे फोल्ड करना है ये। देखिए यहाँ से थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा फोल्ड होगा, ये देखिए ये फोल्ड करने के बाद हमें जो फ्रंट पार्ट है उसके बिल्कुल बराबर करना है हमें। देखिए तो इसके हिसाब से आपको ये फोल्ड करना है, तो थोड़ा ज़्यादा फोल्ड होगा हमारा आगे से। देखिए इस तरह से नाप कर देख ले आप, ये देखिए बिल्कुल इसके बराबर करना है हमें। तो फोल्ड करके पिन लगा लेते हैं इसमें हम। और देखिए आगे भी हम इस तरह से फोल्ड करके पिन लगा लेंगे, तो बाकी हमारा ज़्यादा फोल्ड नहीं होगा, जो सिलाई थी हमारी उसी सिलाई के ऊपर हमें फोल्ड करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं उसी सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए ये। अब देखिए इस साइड से भी थोड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे कपड़े को हम,
और इसके बराबर कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पिन लगा लेते हैं और अब हम लगा लेंगे सिलाई। देखिए सर बिना झोल आए हमारी, देखिए इस तरह से ये सिलाई देखिए लग गई है। अब इसमें डालेंगे हम इलास्टिक। तो मैंने इलास्टिक लिया 15 इंच, हमारी वेस्ट 18 इंच थी, उसमें से मैंने 3 इंच माइनस कर दिया है, तो इतनी हमें इलास्टिक लेनी है। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे हम डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड इलास्टिक डाल ली हमने, दोनों साइड हम सिल लेंगे। अब ये देखिए हमने दोनों साइड से सिल लिया है। अब एक सिलाई हम इसे खींच कर लगा लेंगे इलास्टिक के ऊपर, इससे फिर हमारी इलास्टिक इकट्ठी नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने सिलाई भी लगा ली है। अब जो दोनों साइड खुली थी इसको हम सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ से सिल लिया है हमने और ऊपर से बिल्कुल हमारे कंप्लीट हो गया ये। अब इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो जैसा कि देखिए मैं 2.5 इंच पर निशान लगाया हुआ है फोल्डिंग के लिए। अब इसे हम फोल्ड करेंगे, तो सेंटर से हम फोल्ड करेंगे सबसे पहले। हम ये देखिए सेंटर से फोल्ड करेंगे और पिन लगा लेंगे। अगर आप इस तरह से फोल्ड करेंगे सेंटर से तो कभी भी आपका नीचे से ऊंचा नीचा नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल आएगा आपका। तो हमेशा आप सेंटर से सबसे पहले फोल्ड करके पिन लगा लें, उसके बाद आप साइडों से फोल्ड करें। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करोगे तो बिल्कुल आपका परफेक्ट बैठेगा, कहीं से कोई ऊंचा नीचा कहीं से नहीं होगा। दोनों बॉटम आपको इसी तरह से फोल्ड करने हैं। तो दोनों बॉटम हमने फोल्ड कर लिए है, अब इसकी हम करेंगे फिटिंग। तो अपने बॉटम का हम निशान लगा लेंगे। तो मुझे 8 इंच तैयार चाहिए बॉटम, तो मैं 8 इंच पर निशान लगा लूँगी। देखिए अब पूरा एक साथ नहीं सिलेंगे हम। देखिए इस तरह से पहले आप निशान लगा लें, ऊपर से आप जितनी आपने फिटिंग का निशान लगाया उसे करते हुए हल्का हल्का कम करते हुए आसन साइड से अब आधा इंच पर ले आएंगे। देखिए निशान को, हाँ ये देखिए बिल्कुल हमारा परफेक्ट आया है। देखिए दोनों आसन बिल्कुल बराबर है। तो जैसे मैंने निशान लगाया उसी निशान पर हमें सिलाई लगानी है आसन तक। देखिए आसन तक सिलाई लगा ली है हमने, यहाँ से हम निकाल देंगे इसे हम, और हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। तो निशान लगा लेंगे यहाँ पर भी 8 इंच पर, हाँ इस तरह से हम इसकी चौक से निशान दे देंगे। हल्का हल्का हम कम करते हुए लाएंगे आसन तक। देखिए इससे प्रॉपर शेप आती है हमारी, फिटिंग बहुत अच्छी आती है, कहीं से ऊंचा नहीं। तो देखिए दूसरी साइड से भी हमने सिलाई लगा ली है। अजय अक्षर कपड़ा उसे कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा स्ट्रेट प्लाजो कंप्लीट है। देखिए ये देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा देखिए बना ये, हाँ बिल्कुल परफेक्ट आया, कहीं से ऊंचा नीचा सिलने में कुछ भी दिक्कत नहीं आई है। अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करोगे जैसे मैंने आपको बताया है तो बहुत ही अच्छा बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखिए आप देख सकते हैं फाइनल लुक है हमारे प्लाजो का ये। देखिए बहुत ही कंफर्टेबल बनता है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम और पिंट्रेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पर है। इन सभी की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।